एसडीएम रोशनी पाटीदार ने संभाली कमान। डेंगू से बचाव हेतु निकली जागरूकता रैली के साथ पैम्पलेट वितरण कर सफाई अभियान के साथ दवाइयों का करवाया छिड़काव। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत बूढ़ा में बुधवार को मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार के साथ प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों सहित क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा सामूहिक स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। प्रदेश सहित जिले में लगातार डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डेंगू बीमारी की रोकथाम हेतु मल्हारगढ़ एसडीएम रोशनी पाटीदार द्वारा मल्हारगढ़ तहसील में विभिन्न जगह क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाकर क्षेत्रवासियों को अपने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई बनाए रखने की अपील की गई। जन जागरूकता रैली के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा पूरे बूढ़ा नगर में दवाई छिड़काव भी करवाया गया। विशेष जागरूकता अभियान में साफ सफाई भी करवाई गई। वहीं जागरूकता अभियान व रैली में डेंगू वायरल से बचने हेतु जारी पैम्पलेट का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी रोशनी पाटीदार, तहसीलदार वंदना हरित, एई स्वाति कांसोट, पंचायत खंड अधिकारी संजय यदि, सरपंच मुन्नी भाई सुरेश पवार, सरपंच प्रतिनिधि सुरेश पवार, पीसीओ रामलाल परिहार, उपयंत्री राजेंद्र पोरवाल, सचिव विष्णु पाटीदार, पटवारी मूलचंद, सहायक सचिव राकेश गुप्ता, कन्हैयालाल दांगी, प्रधानाचार्य स्वच्छ भारत मिशन से रमेश चंद्र पवार, विजय गोस्वामी, श्यामलाल गोपालदास बैरागी सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता सहित जनप्रतिनिधि व सभी जागरूक ग्रामीण स्वच्छता रैली में उपस्थित थे। जैसे कि मंदसौर जिले में विगत एक माह से डेंगू के काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें, मच्छरों को ना पनपने दें, अपने घरों में टंकियों में साफ पानी हो तो समय समय पर उन्हें पानी को चेंज करते रहें। तो इस तरह से हमने ये लोगों को अवेयर करने के लिए जागरूकता रथ का आह्वान किया।